तो राम राम जी, कैसे हो सारे? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे सारे मेरे भाई, बढ़िया होने चाहिए। सबसे जो राम राम, तो जब जब राम राम, तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो गाइस, आज हम लोग डिजायर फेसलिफ्ट के बेस मॉडल की वीडियो लेके आए हैं। उससे पहले मारुति ने बहुत सारे टीजर निकाल दिए, बोलते हैं भारी भरकम इंग्लिश में, द बेस्ट इज जस्ट द बिगिनिंग बोल के ये चीज। खैर, कौन से शहर से इस वीडियो को देख रहे हो वो भी लिख के बता दीजिएगा। हम गुड़गांव से इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं। खैर, मारुति के बोलने पर हम लोग क्या विश्वास करें? इन लोगों ने एक बार ये भी बोला था कि दिल से स्ट्रॉन्ग, ग्लोबल एन के भाड़ में जाए, भारत एन के भाड़ में जाए, हम दिल से स्ट्रॉन्ग है, हमारी गाड़ी स्ट्रॉन्ग है। खैर, मजे की बात यह है कि नई वाले डिजायर फेसलिफ्ट 2024 जो है बहुत सारे अच्छे फीचर्स के साथ आने वाली है। एंड पर्सनली मेरे से पूछा जाए तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट मारुति कार्स एवर डिजाइन के मामले में और कंसेप्ट। इस वीडियो में मैं आपको बेस एंड मॉडल से लेके इंटीरियर एक्सटीरियर सारी चीजें बताने वाला हूं। खैर गाइस, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, सामने जो आपको दिखने लगा, दिस इज द डिजायर फेसलिफ्ट 2024 का बेस एंड मॉडल। लुक्स में कोई चेंजेस नहीं होते हैं। अलॉय व्हील की जगह आप लोगों को रिम देखने को मिल जाएगा, एंड हमारे जो फेंडर हैं उस पर आपको इंडिकेटर देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो गाड़ी में कर्व्स बहुत सारे हम लोगों को दिखने लग रहे हैं। साइड मिरर जो है गाइस, वो वाला आप लोगों को अब की बार बॉडी कलर ही देखने को मिलने वाला है। इसी के साथ साथ अगर हम लोग हैंडल्स की बात करें तो हैंडल्स भी अब की बार जो गाड़ी है इसमें बॉडी कलर ही देखने को मिलेंगे। देखिए, जैसे इन लोगों ने स्विफ्ट में करा था पुराने वाली में, कि स्विफ्ट जो है उसमें इन लोगों ने टेल लैंप सेम दिए थे, चाहे बेस एंड मॉडल चाहे टॉप एंड मॉडल हो, इसमें भी आप लोगों को सेम ही टेल लैंप्स देखने को मिलने वाले, चाहे बेस एंड मॉडल ले लो चाहे टॉप एंड मॉडल ले लो। तो पीछे की टेल लैंप जो है उसका अंदाजा आपको पड़ रहा होगा। अब आ जाते हैं फ्रंट की तरफ, की फ्रंट प्रोफाइल में आप लोगों को देखिए, हमारे पास साइड की इमेज है, ऊपर सनरूफ वगैरह नहीं है, शार्फिन एंटीना जो है वो अब की बार बेस एंड मॉडल से दिया जा रहा है, खास कॉस्ट कटिंग नहीं करी होती, 450 रुपए का पार्ट होता है, तो कंपनी को भी ये चीज जो है मेरे हिसाब से समझ में आ गई है। फ्रंट एंड की बात करूं तो फ्रंट में भी जो गाड़ी है वो एज इट इज सेम मिलेगी आपको, बस इतना सा फर्क है कि जो टॉप एंड मॉडल होगा उसमें आप लोगों को एलईडी सेटअप मिल जाएगा डीआरएल वाला, जो बेस एंड मॉडल होगा उसमें आपको हैलोजन सेटअप मिलेगा विदाउट डीआरएल, येलो कलर की लाइट्स होंगी। मेरे से एक चीज बताऊं मैं, जो बेस एंड मॉडल्स होते हैं ना उन्हें आप एलईडी वगैरह लगा के अच्छा कर सकते हो, और अगर आपको टॉप एंड मॉडल करवाना हो तो ओमकार एसेसरीज वाले भैया हैं वो आपके करके दे देंगे, ठीक है। तो ये थे बेस एंड मॉडल के लुक्स। अच्छा, इसी सब के बीच में ना गाइस एक चीज और की ऐसे बोला जा रहा था कि मारुति सुजुकी जो है, मैं इंटीरियर दिखा दूंगा आपको, उससे पहले मारुति सुजुकी जो है इस मतलब सियाज को डिसकंटिन्यू करके इसी को नेक्सा में जो है वो लेके आने वाली है। तो गाइस मैं पहुंच गया इसी करके एक बार नेक्सा शोरूम, वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। नेक्सा इस यहां से आपको दिखने लग रहा होगा, हम लोग नेक्सा शोरूम पहुंच चुके हैं और इधर एक भाई साहब बैठे हैं, एक मिनट एक सेकेंड, ओके इधर हो, इधर एक भाई साहब बैठे हुए नेक्सा शोरूम में और ये जो है बातचीत करने लग रहे हैं कुछ, एक ये भाई साहब से ही कर रहे हैं, और इधर ये देखो ये खड़ी अपनी सीएस। तो अभी तक नेक्सा की जो वेबसाइट है उससे सीएस डिसकंटिन्यू नहीं हुई, तो ये रूमर्स अभी हाल फिलहाल के लिए हट जाते हैं शायद से कि सीएस को डिसकंटिन्यू कर देंगे, क्योंकि सीएस अभी तक डिसकंटिन्यू हो जानी चाहिए थी, अभी तक सीएस डिसकंटिन्यू हुई है, इनकी वेबसाइट पे भी है और इनकी जो है पोर्टल पे भी है, और यहाँ पे देख सकते हो जिमनी विमनी खड़ी है। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि डिजायर जो है वो मारुति के अंडर ही आएगा, नेक्सा के अंडर नहीं आने वाली है। इसी के साथ साथ यहाँ पे हाई स्पीड डाटा ट्रांसफर हो रहा है, चुगलिया चल रही है। मैडम कुछ है न्यूज आपको डिजायर की? हेलो 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 कैरी क्या कर रहे, भाग जाए, चलो ठीक है सॉरी। तो गाइस ये तो थी हमारी मजाक की सौ बात अपनी, आप लोगों ने देख ली सियाज फेसलिफ्ट जो है वो खड़ी हुई है, यहाँ से आपको दिख रही होगी, तो सियाज खड़ी हुई है, फेसलिफ्ट वगैरह आएगा नहीं आएगा कंफर्म नहीं है, बट हाँ सियाज अभी तक डिसकंटिन्यू नहीं करी गई। अब इसके बाद गाइस आ जाती है अपनी मेन चीज की, अपना जो डिजायर फेसलिफ्ट है इसका इंटीरियर कैसा कुछ आएगा। तो गाइस यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो, जैसा आपको स्विफ्ट में मिलता है ना वैसा का वैसा ही आपको देखने को मिलने वाला है। स्टीयरिंग माउंटेड, कोई कंट्रोल्स नहीं दिए गए यहाँ पे, हाँ आपको यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। ऑटो स्टार्ट स्टॉप जो है बेस एंड मॉडल से देखने मिल जाएगा। ये जो है आपका हेडलैम्प एडजस्ट करने वाला सीन है। इसी के साथ साथ मीटर जो है वो बेसिक सा दिया है, इतना खास अच्छा और बुरा नहीं है, मतलब जैसा होना चाहिए। मेन फीचर जो है इसमें आपको देखने को मिल जाएंगे, यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं आप लोग। इसी के साथ साथ चारों पावर विंडोज मिल जाएंगी। जो डोर है उस पर आपको हल्का फुल्का जो है फैब्रिक का काम यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिल रहा है, ये भी जो है आप लोगों को काम देखने को मिलने वाला है। इसी के साथ साथ किसी टाइप का क्रोम वर्क नहीं दिया गया है अपने जो डोर हैंडल्स हैं उन पे। यहाँ पे देखें तो इसमें जो है आप लोगों को एडजस्टेबल मिरर्स मिल रहे हैं, फोल्डेबल नहीं मिल रहे हैं, एडजस्टेबल मिल रहे हैं, ठीक है, फोल्ड नहीं कर सकते, एडजस्ट कर सकते हो, अच्छी चीज है, मारुति थोड़ा सा प्रोग्रेस कर रही है एंड ये चीज इन लोगों ने दे दी है इसमें। इसी के साथ साथ चार पावर विंडोज हैं, यहाँ पे चाइल्ड लॉक सिस्टम मिल जाता है हम लोगों को, और देखा जाए तो बीच में किसी टाइप की स्क्रीन नहीं दी गई है इसमें। ऑटोमेटिक एसी जैसा पैनल आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, बट ऑटोमेटिक एसी जो है वो देखने को नहीं मिलने वाला, यानी कि पैनल ऑटोमेटिक एसी जैसा होगा। हालांकि यहाँ पे ऑटो लिखा हुआ है, मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है कि ऑटो क्यों लिखा हुआ है,
दिखा तो रखा है कि ऑटो लिखा हुआ है, बट फिर भी जो भी है यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक एसी जैसा पैनल देखने मिल जाएगा। देखिए ये जो है स्विफ्ट की आप लोग लगा लीजिए डिटो कॉपी है, अपनी जो डिजायर फेसलिफ्ट 2024 है वो स्विफ्ट की एज इट इज कॉपी हम लोग को देखने मिलने वाली है। डैशबोर्ड की बात करें तो सिंगल कलर का डैशबोर्ड है, इसमें किसी टाइप का ड्यूल कलर नहीं है, यहाँ पे सिंगल कलर का डैशबोर्ड मिल जाता है हम लोग को देखने को। बीच में हजार्ड लैंप्स हैं यहाँ पे हमारे दिख रहे होंगे आपको, एसी वेंट्स हैं वो भी हम लोग को ब्लैक देखने को मिल जाते हैं। इसी के साथ साथ यहाँ पे अगर चले यहाँ पावर विंडो मिल जाती है, फैब्रिक आपको देखने को मिल रहा होगा एंड ये रही अपनी जो विंडो है वो देखने मिल रही है। ट्विटर सैश मिसिंग है यहाँ से, छत जो है हम लोगों को बेज टाइप कलर आइस ग्रे टाइप कलर की मिल जाती है। बीच में आप लोगों को यहाँ पे लैंप देखने में मिल जाता है, नहीं तो पहले कॉस्ट कटिंग के चक्कर में मारुति नहीं दिया करती। यहाँ पे जो हम लोगों को लैंप देखने में मिल रहा है ये माइक वाला फीचर है, पता नहीं माइक का क्या काम है जब कुछ है ही नहीं यहाँ पे। मैनुअली एडजस्टेबल आप लोगों को मिरर्स देखने में मिल जाएंगे। इसी के साथ साथ पांच गियरबॉक्स में पता है, यहाँ पे एक चार्जर का सिंगल पॉइंट देखने को मिल रहा है हम लोगों को। इसी के साथ साथ अगर बात करें तो ये बोतल होल्डर है अपना, फिर इसके बगल में जो है आप लोग सीट्स चेकआउट कर सकते हैं, सिंपल वाली जो सीट्स हैं वो हम लोगों को देखने मिल रही है। यहाँ पे भी अपनी सिंपल वाली सीट्स हैं। पीछे की तरफ चले गाइस एक बार इस गाड़ी के, तो पीछे आप लोग देख सकते हैं किसी टाइप का आर्मरेस्ट नहीं है, हालांकि थ्री वे सीट बेल्ट दे रखी है, बच्चे के लिए भी है, मिड वाले पैसेंजर के लिए भी है और ये मैंडेटरी कर दिया आपके ऊपर, ठीक है। एयरबैग्स की बात करें तो छह एयरबैग्स जो है आपको बेस एंड मॉडल से इसमें देखने को मिल जाएंगे, यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो, हेडरेस्ट दे रखा है बेस एंड मॉडल में ही। तो कुल मिला के ये चीज़ें, अच्छा ये तो होगी अपने बेस एंड मॉडल का, मैंने आपको दिखा दिया क्या कुछ इंटर आएंगे। अब आ जाते हैं टॉप मॉडल की तरफ, क्योंकि जब हमने इस गाड़ी को बाहर से देखा था, टीजर देखे थे इस गाड़ी के, तो मतलब टीजर क्या लीक इमेज देखी थी, तो लीक इमेज में गाइज बेसिकली हम लोगों ने ये देखा था कि उसके शीशे में से ना इसमें आप लोगों को ऑल व्हाइट कलर के इंटीरियर देखने मिल रहे हैं। तो गाइज पॉसिबली ऐसा हो सकता है कि इसका जो टॉप एंड मॉडल होगा उसमें आप लोगों को ऑल व्हाइट कलर के इंटीरियर्स देखने को मिलने वाले हैं। ऑल व्हाइट से मेरा मतलब क्या बन जाता है यहाँ पे सीधा सीधा कि जैसे लग्जरी की तरफ मारुति इसको लेके जाना चाहती है अपनी जो डिजायर फेसलिफ्ट 2024 है, तो उसका टॉप एंड मॉडल होगा उसमें आपको भर भर के फीचर्स मिल रहे हैं। सनरूफ हम लोगों ने देख ली थी, छह वे एलईडी हेडलैम्प्स देख लिया, डीआरएल देख लिए, अलॉय व्हील्स आ चुके हैं, वेंटिलेटेड सीट भी बताई जा रही आने वाली है, इसी के साथ साथ एडास भी आने वाला है। तो इसमें जो है आप लोगों को व्हाइट कलर का पूरा इंटीरियर देखने को मिलेगा एंड ये सेम व्हाइट कलर का इंटीरियर जो है और मारुति अपनी दूसरी गाड़ियों में भी कैरी करने वाली है। बट आज की डेट में ऐसा अगर हम लोग बोले डिजायर को सीएस की जगह लेके जाएंगे तो व्हाइट कलर वाला जो इंटीरियर है आप लोग लगा लीजिए डिजायर के एक्सचेंज में ही आने वाला है। बट अभी जैसे मैंने आपको दिखा दिया डिजायर सीएस खड़ी है उनके शोरूम पे, तो एज सच अभी कोई कंफर्मेशन नहीं आई है, बट फिर भी टॉप एंड मॉडल जो है उसमें आपको ऑल व्हाइट कलर का इंटीरियर देखने को मिलने वाला है, जिसमें डैशबोर्ड पे ट्रिपल व्हाइट अपना टोन रहेगी एंड इसी के साथ साथ जो अपनी गाड़ी है कुल मिला के बहुत ज्यादा सही रहने वाली है। तो गाइस देखिए ये था अपना बेस एंड मॉडल की एक छोटी सी वीडियो, हमारा जो डिजायर फेसलिफ्ट का बेस एंड मॉडल होगा वो आपको कैसा कुछ देखने को मिलने वाला है, रेंडर्स बोल लीजिए या जो बोल लीजिए, मतलब होना ऐसे ही वाला, उसमें क्या अलग मिलेगा आपको, सेम सारी चीज़ें मैंने आपको दिखा दी इंटीरियर से लेकर एक्सटीरियर। एनीवेज गाइस आज की वीडियो में इतना ही था, उम्मीद करते हैं कि आपको आज की वीडियो पसंद आई, पसंद लाइक शेयर सब्सक्राइब हो जाएगा और हाँ शहर का नाम जरूर लिख के बता दीजिएगा कौन से शहर से आप इस वीडियो को देख रहे हो, क्योंकि ना अच्छा लगता है और ये लगता है कि इस शहर से मेरे भाई लोग जो हैं हमारी वीडियो को देखने लग रहे हैं। तो इस वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लियर करते हैं कि सीएस की जगह डिजायर आने वाली नहीं आने वाली है और डिजायर फेसलिफ्ट का 2024 का जो बेस एंड मॉडल रहेगा कैसा कुछ रहेगा। इंजन भी बता देता हूँ आखिरी में, 1.2 लीटर थ्री सिलेंडर इंजन देखने में मिलने वाला है जो सेम स्विफ्ट में जाता है जेड सीरीज। अंडर पावर थोड़ी सी आप लोगों को महसूस हो सकती है गाड़ी, 7 लाख रुपए के आसपास एक्सपेक्टेशन है, 7 लाख से लेके 10 लाख रुपए आसपास का प्राइस टैग रहने वाला है, एज ऑफ नाउ भी यही एक्सपेक्टेशन है, बाकी लेट्स सी कि कंपनी कैसे कुछ इसको प्राइस करती है। तो गाइस आज की वीडियो इतना ही था, उम्मीद करते हैं आज की वीडियो पसंद आए, लाइक शेयर सब्सक्राइब हो जाएंगे, मिलते रहेंगे, धन्यवाद।